तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है ना, तो उस एंड्रॉयड फ़ोन को बिल्कुल आईफोन बना सकते हैं। दोस्तों, जो अभी आप हमारे मोबाइल देख रहे हैं हाथ में, ये जो फ़ोन है वो सैमसंग का फ़ोन है, और इस फ़ोन को मैं यहाँ पे ना आईफोन बनाया हुआ हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है ना, और उसको आईफोन वाला लुक देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे फ़ोन में जो भी फंक्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे आईफोन वाला हो, एंड्रॉयड का फंक्शन हट जाए, तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे ना कोई भी बंदा हटाने की कितना भी कोशिश करेगा ना, फिर भी यहाँ से ना ये नहीं हटेगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे होम बटन और रिसेंट बटन यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ, और लेकिन ये हटने का नाम नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका फ़ोन आईफोन बन जाएगा, और आईफोन की तरह आपका फ़ोन दिखेगा, और सारा काम यहाँ पे आईफोन की तरह होगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से स्लाइड करता हूँ, देखिए आईफोन वाला है। और दोस्तों, यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ ना, इस तरह यहाँ से अगर इसको स्लाइड करके नीचे लाता हूँ, तो बिल्कुल आईफोन की तरह नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है, और यहाँ से काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, बिल्कुल प्रॉपर ये पूरा चीज आईफोन की तरह ही हो जाता है। तो अगर आप भी आईफोन का लुक अपने फोन में देना चाहते हैं, एंड्रॉइड फोन में, वो भी आईफोन 13 वाला, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, उस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कॉमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके पास कौन से कंपनी का फोन है। जैसे कि दोस्तों, मेरे पास सैमसंग कंपनी का फोन है, तो सैमसंग, ये ओप्पो, वीवो, जो भी कंपनी का फोन हो वो आप हमें बताइएगा। दोस्तों, ये सब करने के लिए ना आपको अपने फोन में ना एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो वो एप्लीकेशन आपको मिलेगा कहाँ से, उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने फोन के प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, और प्ले स्टोर में दोस्तों ये एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नाम है एंड्रॉइड 13। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा प्ले स्टोर, इसको ओपन कीजिएगा। ये जो एप्लीकेशन है, यही एप्लीकेशन आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इस एप्लीकेशन को यहाँ से डिजेबल करता हूँ, ठीक है, जैसे कि अनइंस्टॉल कर दिया। उसका दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैं क्या करता हूँ ना, फिर से इंस्टॉल करता हूँ, और यहाँ पे बारीकी से सारा चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे ये आईफोन 13 रनचर है वो अपने फ़ोन में डालना है, वो भी एंड्रॉइड फ़ोन में, और किस तरह से सेटिंग करना है ताकि हमारे फ़ोन से ये आईफोन 13 का जो रनचर है वो कभी भी हटे नहीं, और बिल्कुल प्रॉपर तरह से काम करे, जो कि कोई भी बंदा देखे तो कहे हाँ सच में इसका फ़ोन आईफोन एंड्रॉइड फ़ोन को ये आईफोन बनाया हुआ है, बिल्कुल आईफोन की तरह लुक देगा। और बैक से अगर आप कवर लगा लेते हैं ना, तो बिल्कुल उसको पता भी नहीं चलेगा, आगे से उसको पता चलेगा कि ये आईफोन ही है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन को सिंपली आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ना प्रॉपर बारीकी से सारा चीज़ समझना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को छोड़ के ना जाइएगा। सिंपली आपको ये जब इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे ओपन, तो यहाँ से आपको ओपन करना है। जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन कीजिए ना दोस्तों, तो आपका फोन में इस तरह का इंटरफेस देगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार अलाउ देना है, 2 बार परमिशन दे देना है, परमिशन पूरा हो जाएगा, गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर टच करना है। तो यहाँ पे ये जितना अलाउ परमिशन वो आपको यहाँ पे देना है, और यहाँ से एक परमिशन आपको दे देना है। तो जो परमिशन मांगता है वो परमिशन आपको यहाँ से देना होगा। ये प्रॉपर प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है, तो ये खराब एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा बढ़िया एप्लीकेशन, वर्क भी बढ़िया तरह का तरीका से कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार और अलाउ यहाँ पे दे देता हूँ। 2 बार आपको अलाउ देना होगा, मैं आपको शुरू में बता दिया हूँ, 2 बार आपको यहाँ से अलाउ दे देना होगा, इस तरह से अलाउ दे देना होगा, और यहाँ से इनेबल करना होगा। और दोस्तों, फुल स्क्रीन में अगर ये बटन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टच कीजिएगा, और ये बटन नहीं रखना चाहते हैं, नीचे वाला बटन, ये जो देख रहे हैं नीचे वाला बटन नहीं रखना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे टच कीजिए। तो हम ये बटन रखना चाहते हैं, और गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे टच करते हैं। गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे टच कीजिए, तो आपका फोन जो एंड्रॉइड है ना वो आईफोन बन जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे कैंसिल आपको कर देना है। और दोस्तों, सबसे पहला बात यह है, सेट ऑफ डिफॉल्ट है, तो आपको एंड्रॉइड वाला नहीं रखना है, बल्कि आपको यहाँ पे आईफोन 13 और यहाँ पे ऑलवेज कर देना है। ये आईफोन 13 ऑलवेज कर दीजिएगा, बस आपका काम यहाँ से हो गया। अब दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यहाँ से ना हटाने की कोशिश करेगा तो ये नहीं हटेगा, बिल्कुल आप आईफोन की तरह यहाँ से चला सकते हैं, यहाँ से इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं, इस तरह से आपका आईफोन वाला निकलेगा, और लॉक भी आपको आईफोन वाला ही देगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारा फ्यूचर है, जो आप इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा।